सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज का BGMS शेड्यूल के बारे में। फिर यहाँ पे कुछ न्यूज है, ट्रोल्स है, ट्वीट्स, और सोल यहाँ पे रिप्लाई देते हैं सौम्य के बारे में क्यों वो लोग वाइपर या हंटर्स को नहीं ले रहे हैं, और गॉडला के बारे में कुछ न्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो कल कुछ बंदे ने मुझे डोनेट किया था, तो थैंक यू सो मच। जैसे परवीन भाई, हर्ष भाई 1 रुपये डोनेट किए हैं, फिर नरेश भाई है, आकाश भाई है, तो कुछ बंदे 10 रुपये डोनेट किए हैं, 20 रुपीज़ भी डोनेट किए हैं, तो थैंक यू सो मच भाई जो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। वेल आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। और 1 रुपये भाई यहाँ पे ज़्यादा कल कर दिए, मतलब 1.62 भी दिया है देवम भाई। खैर ठीक है, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं आप लोग का थैंक यू सो मच। अब ये जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो UPI में, और अगर आप लोग डोनेट करते हो तो कुछ लिख के सेंड कर सकते हो, जिससे भाई यहाँ पे मैं थोड़ा मोटिवेट रहता हूँ। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग्स कल के दिन के बाद। सो कल डे 2 खत्म हुआ था डोमिनेशन वीक का, और स्टैंडिंग्स देख सकते हो, रेकनिंग ई स्पोर्ट्स अभी भी टॉप पे, फिर गॉड्स रेन सेकंड पे है, फिर रेवन ई स्पोर्ट्स एंड टीम तमिलास तो थोड़ा पॉइंट निकाल के टॉप 4 में आ चुके हैं। तो बाउंटी टीम्स ये रहने वाली है पहला मैच के लिए। उसके बाद ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, कार्पीडियम, रेवेनेंट, वसिस्टा, ओरंगउटेन, टीम आईक्यू सोल। तो पॉइंट्स गैप है, लेकिन अभी भी यहाँ पे चलने वाला है और 5 दिन, और लास्ट 2 डेज मतलब सैटरडे और संडे को इम्पैक्ट प्लेयर आने वाला है, तो पॉइंट्स भाई तुरंत कवर हो सकता है। आगे देखोगे नेक्स्ट चार्ट तो NTT, कार्निवल गेमिंग, वन ब्लेड, टीम फॉरएवर, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, मोगोई स्पोर्ट्स, टीम जी, WSB, TX एंड 8bit। तो ये रहा स्टैंडिंग्स। और फिर MVP रैंकिंग देखोगे तो एम गॉड अभी टॉप पे आ चुके हैं, फिर मैक्सी, हंटर्स, AQOP एंड फ्यूरी, तो ये रहे अभी टॉप फ्रैगर्स में है। और फिर उसके साथ यहाँ पे बात करते हैं कुछ इशू के बारे में। तो कल फर्स्ट मैच में जो गॉडला का मैच था उसमें आप लोग देखेंगे जॉनथन का स्क्रीन स्टक हो गया था, मतलब वो यहाँ पे रुक गए थे एक जगह और मर जाते हैं। तो वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे कि एक्सपेक्टेड ग्लिच था, कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जॉनथन का इशू आया था, उनका यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ गया था, 2-3 बार हुआ गेम के बीच में, वो खुद रिप्लाई भी देते हैं, और इसीलिए गॉडलाइक को 3 कंपनसेशन पॉइंट मिल चुका है। ये अपडेट भी आ चुका है, देख सकते हो इसी पोस्ट के नीचे था, और जॉनथन ने भी क्या रिप्लाई दिया सुन सकते हो। कुछ हुआ नहीं उसका, नेट हुआ ही नहीं। हाँ वही, मेरे को वहाँ पे ऐसा नॉक हुई था, पता है वहाँ से मैंने फिनिश किया। हाँ। मैं इजी 3 मैन थे, मैं लेफ्ट जाता, मोगो के 2 या 3 ही थे, हम वहाँ से निकाल लेते, बट कोई नहीं, ठीक है, गुड। तो जैसा आप लोगों ने देखा, जॉनथन ने बताया कि उनका 2 बार ऐसा इशू आया था, वो कंप्लेन भी किए थे, बट एक प्लेयर का आया था और बहुत लेट हो चुका था, मतलब मैच खत्म होने वाला था, इसलिए यहाँ पे रीमैच नहीं हुआ। अगर वो सर्वाइव कर जाते तो मे बी चिकन भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज था, बट कंपनसेशन पॉइंट मिल चुका है 3 पॉइंट्स का, ठीक है। एंड वैसे ये क्वालिफाइंग स्टेज है। और इसी के साथ बात करते हैं आज का शेड्यूल के बारे में। तो देख सकते हो Day 3 है आज, 31 जुलाई, पहला मीरामर होगा, दूसरा सैनॉक होगा, आज कोई रैंगल नहीं। पहला ग्रुपिंग है EBCD एंड दूसरा है ABCD। तो BCD जो ग्रुप होगा, यहाँ पे ग्रुपिंग देख सकते हो, ये टीम्स का दोनों मैच होगा, BCD जिसमें यहाँ पे सोल है, गॉडलाइक है, फैन फेवरेट टीम है, तो ये आप लोग एंजॉय कर सकते हो। और जो बाकी दो ग्रुप है ए और ई, उनका एक ही मैच होगा अल्टरनेट। तो ये हो गया आज का फॉर्मेट। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ट्रोल के बारे में। तो रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ने कल ट्रोल किया TX को, देख सकते हो यहाँ पे ये ट्वीट आया था कल, इवन नॉर्डविन गेमिंग कांट फाइंड TX इन BGMS 2024। तो एक वीडियो शेयर करते जहाँ पे वेन्यू पे कुछ काम चल रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था सर्चिंग TX, तो उस चीज़ को यहाँ पे ट्रोल करते हैं। वेल फन था। एंड फिर यहाँ पे कल मैचेस हुआ था, उसमें भी यहाँ पे एक बैंटर था, देयर स्पार्क फील्स अ बिट लो दिस डेज, तो वो वाइप किए थे। वेल TX का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, वैसे ये क्वालिफाइंग स्टेज है, मैंने आपको बार बार बताया है यहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं है, अभी 5 दिन चलेगा आज से लेकर संडे तक, और संडे जब खत्म होगा ये वीक, उसके बाद टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करेगी डायरेक्ट फाइनल्स के लिए, और फिर जो बॉटम की 16 टीम्स होगी सबको मौका मिलेगा प्लेऑफ्स में जाने का। तो एलिमिनेशन नहीं है, इसलिए आपको कोई टेंशन भी नहीं है। बाकी यहाँ पे देखते हैं आज में भी हम लोग को ज़्यादा ड्रॉप फाइट्स देखने को मिल सकता है। और ये तो भाई यहाँ पे ट्रोल था। एंड उसके बाद यहाँ पे सारंग ने जो कल ट्वीट किया था, मैंने बताया था कि ये क्वालिफायर्स में इतना खुश क्यों हो रहे कोई बताओ, वही भाई यहाँ पे क्वालिफायर राउंड है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्या गॉडलाइक में चेंजेस होने वाला है BGMS के बाद। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एस्पायर बोल रहे थे कि वो गॉडलाइक ज्वाइन करने वाले, हिंट दे रहे थे, और कल भी यहाँ पे ब्लॉग्स में देखे होंगे तो वो गॉडलाइक के प्लेयर्स के साथ थे। वैसे वो हर प्लेयर के साथ इन्जॉय करते हैं, और मुझे जितना लग रहा है वो गॉडलाइक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ज्वाइन करना होता तो वो इतना ओपनली से नहीं बताएंगे। और फिर कंफर्म भी हो गया, गॉडलाइक कोच ने ये स्टोरी लगाया, आई फर्मली बिलीव इन कीपिंग 4 गाइज टुगेदर एंड देन डिसिप्लिन विल डू द रेस्ट, कीप योर सजेशन टू योर सेल्फ।
तो क्लियर बात है, और फोटो में भी देख सकते हो जो अभी प्लेयर प्लेइंग फोर है वही यहाँ पे साथ में रहने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये बात सही है भाई, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस करने से नहीं होता है, अगर किसी का स्किल इशू हो रहा है, ख़राब परफॉर्मेंस है, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यू प्लेयर लाने के बाद भाई बहुत सारा इशू आता है, सिनर्जी का इशू, उसका स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो यस, यहाँ पे ये सही डिसीजन है, लेट्स होप कि काम करें। एंड उसके बाद कल क्राफ्टन का एक पोस्ट आया, देख सकते हो BMPS के बारे में, मेक योर ड्रीम टीम, एंट्री फ्रैगर, IGL, एसोल्टर, सपोर्ट। तो बस यहाँ पे अब BMPS के बारे में ज़्यादा बात चल रहा है। सो यस, BMPS स्टार्ट होने वाला है, टीम्स का अभी तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ टीम्स को इन्वाइट जाना चालू हो चुका है। और सोल यहाँ पे रिप्लाई देते हैं सौम्य के बारे में, क्यों वो लोग वाइपर या हंटर्स को नहीं ले रहे हैं? मान्य इतना टाइम क्यों नहीं खेला? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ पर कि सौम्य एक नया प्लेयर, ठीक है, अब उसको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है लैंड पर खेलने का, वो भी टेलीवाइज लैंड, ठीक है, फिर ही इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट डॉग्स इन इंडिया, आईकुसो, ठीक है, अब उसको बुलाकर टीम का पार्ट बनाकर डायरेक्टली बिठा देना, मेरे हिसाब से वो भी ठीक नहीं था। अब उसकी जगह हम किसको खिलाते, किसको बिठाते, वो भी एक इशू था। अगर हम जोकर को नहीं खिलाते और सौम्य को खिलाते तो शायद हमारे प्लेयर को वहाँ पर भी बुरा लगता कि भाई नया प्लेयर लिया और सीधा उसको चांस दे दिया, मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था बीइंग अ फिफ्थ प्लेयर, मुझे तब भी चांस नहीं मिला। सो वी डिसाइडेड टू लेट गो विद ऑल द सॉल्टर्स, जहाँ पर इनिशियली इन द टूर्नामेंट वी डिड गुड, थोड़ा सा बीच में इधर उधर हुआ, बट ठीक है, वो एज पर प्लान था, वो एक्सपेक्टेड भी था, और तभी मैंने ब्रॉड में भी लिखा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सो चिल बाकी लोग चिल करो, मान्य ना कहीं जा रहा है, ना कोई इतना बड़ा इशू है जो आप लोग सोच रहे हो, सब कुछ ठीक है, सब कंट्रोल में है, सब कुछ एज पर प्लान है, और प्लेऑफ्स की तैयारी चल रही है, जो जैसी फाइट्स प्रिपेयर करनी थी, जैसा सब कुछ होना चाहिए था, सब कुछ वैसा ही हुआ है। सो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो सामने से दिख रहा है, आप समझो, मतलब आप लोग क्रिकेट देखते हो तो घर पर बैठ के जैसे सब ज्ञान नहीं देते रहते हो, यार फुल टॉस ही चक्का मारना चाहिए था, आउट हो गया, तो सामने से करने में और घर पर बैठ के देखने में बहुत डिफरेंस होता है, शायद इसलिए मैं थोड़े थोड़े टाइम में आप लोगों से इंटरेक्ट करने का सोच रहा हूँ। सौम्य का परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा? एक मौका और मिलेगा अभी, IGL के साथ खेलने मिलेगा, एंड तब देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या बोलते हो, नियो का 1v4 कैसा था? बहुत अच्छा था आफ्टर, मेरे ख्याल से एक आज क्लच डेफिनेटली रोनी का बहुत अच्छा था, और एक क्लच आज नियो का बहुत प्यारा लगा। भाई भी भाई ऐसे न्यू प्लेयर को लेते हैं जो कि लैंड में अच्छा परफॉर्म कर चुका है, लाइक हंटर्स एंड वाइपर, दैट्स नॉट द गोल, द गोल इज टू क्रिएट मोर प्लेयर्स लाइक हंटर्स एंड वाइपर्स एंड मान्याज एंड जोकर्स एंड रोनी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छे प्लेयर को टीम में लेना और फिर उससे अच्छा अच्छा कर लेना, किक नहीं मिलती ना उसमें, किक हमारी दूसरी है, चांस देना ही है तो फिर उनको दो ना जो एक्चुअली में, मतलब ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि जिसको चांस देंगे वो नहीं उतना कर पाएगा, बट नए बंदों के साथ काम करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, और एक्चुअली में वो उतना टैलेंटेड है, इतना तो शायद आप लोग भी मान ही लोगे कि बिल्कुल ही हमने कुछ ऐसा नहीं करा कि आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हो। सो मे इज़ अ डेफिनेटली टैलेंटेड प्लेयर, उसका गन गेम बहुत अच्छा है, थोड़ा सा जो सिंक का इधर उधर हुआ है वो भी टाइम के साथ ठीक होने वाली फेज पे ही है, सो ऑल वी नीड टू डू इज टू ट्रस्ट एंड गिव सम गुड क्वालिटी टाइम, रिजल्ट्स विल बी नॉट। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।